It's going down for it. इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुद को अट्रैक्टिव नहीं दिखाना चाहता हो। खूबसूरत तो सिर्फ एक बहाना है। अगर आपका पोस्चर सही हुआ तो आप पर रंग कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप काले हो आप गोरे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर अट्रैक्टिव दिखोगे, अगर आपका पोस्चर सही होगा तो हर इंसान आपकी तरफ आकर्षित होगा और आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे। मेन बात आती है ना दोस्त, इसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आप अपने पोस्चर को ठीक करने के बाद लोगों में अच्छा दिख सको और अपने अट्रैक्टिव दिख सको। हम दिन ब दिन ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे अपने शरीर की पोस्चर को हम बिगाड़ देते हैं और इससे हमें कई सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टखने में चोट, नेक पेन, शोल्डर्स पेन और अपनी आपकी अपनी स्पाइन में भी पेन होता है। दरअसल बात यह है कि आज के टाइम में जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, जितने सारे आपने पास गैजेट्स आ चुके हैं, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना, मोबाइल चलाना, तो इस स्थिति में अपनी गर्दन झुकी हुई रहती है और इस वजह से हमारा जो पोस्चर है ना जाने कब बिगड़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। बैड पोस्चर में ये चीज़ें आती है, आपकी गर्दन आपके दर्द से आगे होना और आपके घुटने का चलते समय भी बेंट होना, आपके शोल्डर राउंडेड दिखना, आगे की तरफ झुके हुए। कुछ लोग पेड़ को आगे करके दर शरीर को पीछे करके टेढ़ा करके इस तरह से पोस्चर देते हैं और कुछ लोग पूरे आगे से पूरे टेढ़े होते हैं। ये दो पोस्चर, ये पोस्चर है खराब पोस्चर, ये लक्षण आप जान लो। इसके बाद हम गुड पोस्चर की बात करेंगे। तो गुड पोस्चर में यह होता है कि आपका शरीर पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट, आपके पेट से लेकर पूरी साइड, पूरी जो आपकी बॉडी है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो नंबर वन वो आप स्ट्रेच जो आपको मैं बताना चाहूँ, नंबर वन पहले आप अपने शरीर को सीधा करिए और सीधे एक सावधान के रूप में अपने शरीर को खड़ा कर लीजिए। इसे आप अब दीवार से चिपका लीजिए एकदम सीधे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर करना है जैसे मैं आपको इस वीडियो में और इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी और आपका शरीर पूरा सीधा होगा, इससे आपके बैक पर फर्क पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप 20-20 सेकंड तीन बार करिए और इस रेपिटेशन को डेली करिए। नंबर टू है कैट काउ पोज। आपको इसे इस तरह से करना है, जमीन पर घुटने टेक दीजिए, उसके बाद अपने हाथों को जमीन पर अड़ा दीजिए और जिस तरह इस वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उस तरह से ये पोज कीजिए, कैट एंड काउ पोज। नंबर थ्री कोबरा स्क्रैच। कोबरा स्क्रैच आपकी पोस्चर नहीं बल्कि आपके एब्स पर भी फर्क डालता है। ये स्क्रैच आपको लगभग 30 सेकंड तक करना है और इसकी 3 रेपिटेशन डेली करनी है। नंबर फोर रिवर्स प्लैंक ब्रिज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पहले लेट जाना है, उसके बाद आपको इस तरह से अपने शरीर को ऊपर उठाना है। याद रखिए जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, आपकी गर्दन भी सीधी रहनी चाहिए। ये ना हो कि आप गर्दन ऊपर ना रखिए, नहीं तो ये खराब पोस्चर कारण आपकी बॉडी को एक चोट पहुंचा सकता है। इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है, इसे आप 30 सेकंड तक करना है और 3 सेट। नंबर फाइव आर्च अप। आप उल्टे लेट जाइए और उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से आगे कीजिए, शोल्डर सीधे रखिए। इसके बाद आपको जितनी क्षमता, जितनी आप तेजी से इन हाथों को ऊंचा कर सकते हैं उतना कीजिए, विदाउट बेंड। आपको अपने शरीर को, अपने हाथों को बेंड नहीं करना है। और जब आप अपने हाथों को ऊपर करते हैं तब लगभग 1 सेकंड के लिए वहीं आप उनको पोज कर दीजिए। इस एक्सरसाइज के आपको 12 रिपीटेशन लगाने हैं और इसके लगभग आपको 3 सेट्स लगाने हैं। नंबर सिक्स प्लैंक। ये एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है। इस एक्सरसाइज को आपको इस तरह से करना है, आपकी स्पाइन, पूरा शरीर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और इसके अलावा आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर आप अपने कंधों की जगह आप अपने एब्स पर डालिए, जिससे आपके एब्स और आपकी स्पाइन मजबूत होगी। इसके अलावा आप अपनी गर्दन को सीधा रखिए।
जिस तरह से मैं यहाँ आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ ये ऐसी आपको एक्सरसाइज दिखाई है मैंने, जिससे आप अपने पोस्चर को सही ढंग से कर सकते हो, और इसके अलावा आप अपने लोगों को सामने आप भीड़ में सबसे अलग दिख सकते हो, अट्रैक्टिव दिख सकते हो। अपने शरीर को सीधा रखिए, छाती को आगे निकालिए और अपने कंधे को थोड़ी पीछे की तरफ रखिए और एकदम स्ट्रेट चलिए और लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोगों को आपके साथ बात करने में भी मज़ा आएगा, इससे आपका पोस्चर काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।